को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। बिरसा मुंडा, ओ बिरसा मुंडा, तुम और तुम्हारे साथी चारों तरफ से घेर लिए गए हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। सरेंडर तो तुम फिरंगी लोग हम लोगों के सामने करो, क्योंकि अब तुम्हारा राज खत्म हो गया और हमारा राज शुरू हो गया है। ये लड़ाई हम खून के आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। फायर! जनवरी को हर वर्ष शहीदों के याद में डोबारी बुरू में मेले लगते हैं। 9 जनवरी 1899 को आज से 124 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत ने उस वक्त डोबारी बुरू यानी कि उस पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया था, जब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अपने समर्थकों के साथ कुछ गांव वालों के मौजूदगी में जल जंगल जमीन अपनी आदिवासियत की रक्षा अपनी देश की रक्षा को लेकर उलगुलान की रणनीति बना रहे थे। अंग्रेजों ने धरती आबा को सरेंडर करने को कहा, लेकिन उनके समर्थकों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय अंग्रेजों से वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ने की ठानी। बस क्या था, अंग्रेजों ने गोलियां चलाने के आदेश दिए। सैकड़ों निहत्ते आदिवासियों के बीच कुछ के पास ही तीर धनुष थी, उन्होंने भी पहाड़ से तीरों की बौछार कर दी। कई सिपाही मारे गए, कई घायल भी हुए। लेकिन डोंबारी बुरू में जिस तरह से सैकड़ों निहत्ते आदिवासियों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलवाई, उससे सैकड़ों आदिवासी धरती आबा के समर्थक मारे गए, लेकिन धरती आबा को बचाने में सफल रहे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बिरसा मुंडा अंग्रेजी हुकूमत के गिरफ्त में आए, क्योंकि आगे की लड़ाई लड़नी थी। 9 जनवरी को उन्हीं सैकड़ों शहीदों के सम्मान में मेले लगते हैं। पहाड़ पर गगन चूमती शहीद स्मारक उस गौरव गाथा को एहसास कराता है। लोग वहां पहुंचकर अपने धरती पुत्रों, अपने वीर शहीदों को सम्मान पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मांदर नगाड़े की थाप पर वीर गाथा भी गाई जाती है। शहीद दिवस के दिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी बिरसाइत धर्म को मानने वाले परिवार के लोग उसी पहनावे उसी सादगी के साथ हर वर्ष डोंबारी बुरू पहुंचते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भजन गाते हैं। और आज भी भगवान बिरसा मुंडा के बताए मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। डोंबारी बुरू पहुंचकर एक अजीब सी
अनुभूति होती है, पूरे शरीर में सिहरन होती है। डोमारी बुरु का पूरा इलाका, पूरा वातावरण, जंगल पहाड़ में आज भी शहीदों की शहादत, उनकी कुर्बानियों को समझा जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। विडंबना यह है कि इस लड़ाई में सैकड़ों जाने गई, सैकड़ों शहीद हुए, लेकिन पहचान मात्र 6 की हो सकी है जिनके नाम का पटसिला इस वर्ष देखने को मिला। 9 जनवरी को डोंबारी बुरु में हजारों लोग आते हैं, दूसरे राज्यों से आने वालों की भी संख्या काफी होती है, लेकिन जिस तरह की गौरव गाथा, जिस तरह के इतिहास डोंबारी बुरु से जुड़ा है, उसके अनुरूप सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। सरकार को डोंबारी बुरु के इतिहास को देखते हुए, शहीदों के सम्मान में बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए विकास करना चाहिए, ताकि देश दुनिया भी इस स्थान के महत्व को समझ सके। नौ जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी पहली बार डोंबारी बुरु पहुंचे। उन्होंने शहीदों को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। उन्होंने इस इलाके को, इस पवित्र स्थान को और विकसित करने, सुविधाएं बढ़ाए जाने की बात भी कही। देखिए ट्राइबल इंडिया टीवी की पूरी रिपोर्ट। सर, आज 9 जनवरी को शहादत दिवस मनाते हैं डोंबारी बुरु में, इस अवसर पर आप आए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है यहाँ आने के बाद? कि आज ये डोंबारी बुरु में आज आने से मुझे बहुत अंदर से यहाँ का जो ऐतिहासिक आज का जो शहादत दिवस के रूप में आज डोंबारी बुरु में लोग मनाते हैं, कई एक बार आने की कोशिश किया लेकिन नहीं आ पाए थे। आज पहली बार मैं इसी डोंबारी बुरु में आ रहा हूँ, लेकिन भगवान बिरसा जी के जो जन्मस्थली है उलिया, तो कई एक बार आया मैं वहाँ पर, और हम समझते हैं कि ये हम सारे झारखंडी वासियों के लिए गर्व की बात है कि इस झारखंड के लड़ाई के लिए जिन्होंने जान निछावर कर दिया, जिन्होंने सीने में गोली खाया, आज वह डोंबारी बुरु ये एकदम मिसाल के रूप में खड़ा है। ये हमारी आज़ादी की लड़ाई का मिसाल है, ये हमारे स्वतंत्रता की आज़ादी का यह मिसाल है, उसको हम लोगों ने अक्षुण रखना चाहिए। और सारे लोग को हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से हम सारे लोग यहाँ का, खासकर इस ऐतिहासिक जगह को हम लोग एक नया एक रूप में हम लोग इसको स्वीकारना चाहिए, और हम देखते हैं कि इसको विकसित करने की बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये एक ऐतिहासिक जगह जो आज तक विकसित नहीं हो पाया, हम समझते हैं ये दुर्भाग्य है, और हम समझते हैं कि सरकार को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं ज़रूर चाहूँगा फिर कभी भी इस विषय को मैं सरकार के पास में रखूँगा, इस जगह को बिल्कुल इस ऐतिहासिक जो हमारे धरोहर है उसको हम लोग और भी अच्छी तरह से पूरे दुनिया के लिए खोलें, ताकि लोग देखें कि वीर बिरसा भगवान जी जो पूरा देश के अंग्रेज़ों के साथ में कैसे लड़ाई लड़ा है, यहाँ पर गोलियों के साथ में सीने टान करके खड़े हुए थे, आज उसी का बलिदान है, आज उसी के वजह से आज हम लोग एकदम आज़ादी का सांस ले रहे हैं। तो अंग्रेजी हुकूमत ने जो उस वक्त कठोर कार्रवाई की, निहत्तों पर जिस तरह से गोलियों से बौछार किया गया, आज उसी याद में मेले हर वर्ष लगते हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, आप राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और आप आज आंखों से देख रहे हैं कि हजारों लोग आ रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। Okay. तो जिस तरह से 22 साल का झारखंड हो गया, उसके अनुसार तो यहाँ का जो विकास होना चाहिए था बुनियादी, वो तो नहीं हो पाया। बस सही है, मुझे ये कसक है, ये हम भी बहुत हमें कचोटता है आज देखने से, क्यों हम पहले नहीं आए इस जगह पर, सुने जरूर थे लेकिन हमने ये कोशिश किया कि पहला खूंटी का जब जिला बनाने वाला मैं हूँ जो इस खूंटी को जिला बनाया, और उलिहातू में विकसित किया, जो भी स्कूल हो चाहे रोड हो जो भी है, हमने कोशिश किया। एक एक बार मौका जरूर हम इसको
हम चाहेंगे कि इस डोम्बारी बुरु के ऐतिहासिक जगह को विकसित हो, विकास हो और सुंदर हो, ताकि लोग दुनिया यहाँ का दरबार को देखे और यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ को हमारा पीढ़ी भी इसको देखे, समझे और संवारने का काम करेंगे। Yeah.
धन्यवाद दुर्गावती दीदी को अभी।